आज हम बनाने जा रहे कद्दू की स्वीट डिश। इसके लिए हमें चाहिए पका हुआ लाल कद्दू। कद्दू हमने आधा किलो लिया, इसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई गरी, थोड़े से किशमिश, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच सौंफ, थोड़े से बादाम कटे हुए, 1 कटोरी चीनी। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो चीनी आप ज्यादा ले सकते हो। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे घी। जब हमारा घी गल जाए तो उसके बाद सौंफ डालेंगे हम। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे सौंफ। इसको थोड़ा चलाएंगे, इसके बाद डाल देंगे गरी। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें कद्दू डालेंगे। हमारी ब्राउन हो चुकी, अब डालेंगे कद्दू। अच्छे से मिला के 5 मिनट तक गैस सिम करके पकने देंगे, ढक देंगे इसको। पांच मिनट हो चुके हैं, कद्दू हमारा गल चुका है। ये बिल्कुल घुलना नहीं चाहिए, इसको हाथ से प्रेस करके देख लें। अगर नहीं गला है तो थोड़ा सा दोबारा और पका लें। ये हमारा गल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे चीनी और गैस तेज कर देंगे। मैंने चीनी 1 कटोरी डाली है, आप 1.5 कटोरी भी डाल सकते हैं। चीनी गलने तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इसका पानी पूरा सुखा देंगे। अब इस चीनी का पानी सूख चुका है, अब इसमें डाल देंगे बादाम और किशमिश। अब इसको अच्छी तरह मिलाएंगे और गैस बंद कर देंगे। हमारी कद्दू की स्वीट डिश खाने के लिए तैयार है।